हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं होता, बिल्कुल सही, उनका काम होता है चीज़ों को मॉनिटर करना, पॉलिसीज बनाना, उसको इम्प्लीकेट करना, जिनसे आम आदमी के फायदे। जब आपके अपने कबर्ड्स में कफन्स नहीं होंगे ना, तो आपके एटीट्यूड मुख्तलिफ होंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू, कि आपके कबर्ड्स में कफन्स भी हों, आपके कबर्ड्स में कफन्स भी हों और आप अपनी मर्जी भी करें। फिर आपको वही करना पड़ेगा कि जिसको पता है कि आपकी कबर्ज में कॉफिन्स है, तो फिर आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। वो जो 1973 का आइन था, वो सिर्फ उनकी अकेले की काविश नहीं थी, उसमें 60% काविश जो थी वो उस वक्त के सियासी ज़ोमा की थी, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद के वालिद मौदूदी साहब, अवली खान साहब, सरदार शौकत हयात साहब मुस्लिम लीग से, अपना अचकज़ई साहब के वालिद, ये तमाम लोग थे जिन्होंने मिलकर वो आइन बनाया था बड़ी अर्टरेजी के साथ। और देखे, हो ही नहीं सकता कि कोई कानून बने और वक्त के साथ उसमें बेहतरी की गुंजाइश ना की जाए और गुंजाइश ना हो। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासतदान है अज़ीम कादरी साहब, वेलकम करते हैं। कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ। क्या हाल है आपके? कैसे हैं अज़ीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अज़ीम साहब, वैसे ओवरऑल जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इनके ऊपर तो आपका तज़िया लेंगे, उससे पहले एक और आम खबर प्रॉपर्टी लीक्स का जो मामला सामने आया, तो सर सवाल मैं ये करना चाह रहा था, इससे पहले पैनामा लीक्स थी, पेंडोरा बॉक्स लीक्स, और अभी ये प्रॉपर्टी लीक्स का, ये आम सियासी और गैर सियासी शख्सियात के नाम सामने आए और उनमें से ज़्यादातर के ये बयान भी सामने आ चुके हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड हैं, FBR में टैक्स शैक्स सब पे, तो ये क्यों एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह सामने आता है? देखिए, ये एक रिजीम है, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हंगरी है ना, हमारी उम्मीद, हमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है। हम लोगों को तो कहते हैं आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, बल्कि हमारे अपने लोग जो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं। मैं इल गॉटन मनी की बात अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी पाकिस्तानियत की बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये तमाम पैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दें, ये $11 बिलियन तो सिर्फ दुबई के हैं ना, देयर एटलीस्ट 16 or 17 safe financial heavens in the world, British Virgin Islands, Inflana Mulk, वो उनका कारोबार ही है कि वो tax free zones बन गए हुए हैं और वो money जो है वो harboring gotten money harboring economies बन चुकी है और उनका कारोबार ही है। उन मुल्कों की sustainability इस वजह से है कि वहाँ ये काम करते हैं, उनको नहीं पूछा जाता। पाकिस्तान को हर बार IMF आके कहता है कि ये आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है यहाँ से, या इल गॉटन मनी है, या फलाना है, या ये, और लोगों का कॉन्फिडेंस शटर होता है। वो सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटॉमिक पावर है जिसको जिसकी उनको तकलीफ है, और हम बेचारे क्या करें कि हमारे फाइनेंसिस जो है वो इतने वीक हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान के उन लोगों से कि यार ये पाकिस्तान आपका है, लेकिन वो भी क्या करें ना, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके पैसे जाया हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट से अवेलेबल है उनमें ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको कारोबार दे सके या उनको अच्छा काम दे सके। यहाँ पे तो फिर ज़हीम साहब, यहाँ इतना प्रॉमिसिंग फ्यूचर नहीं है इन्वेस्टमेंट के एतबार से, नहीं दे सके आप तो कारोबार करने के लिए कोई इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर आ जाए, आप उसको उसकी नाक से लकीरें निकलवा देते हैं, तो व्हाई वुड समबडी कम है? तो लोगों के लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है पाकिस्तान, अगर आप इसको सेफ इन्वेस्टमेंट बना दें तो। और ये 11 बिलियन नहीं है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का कम से कम $300 बिलियन जो है वो पाकिस्तान से बाहर पड़ा हो। अगर वो सारा पाकिस्तान में आ जाए तो आप देखें हम हर जगह जो है वो कारोबार को चमक जाए, यही वो अकल होती है या ब्लैक और पैरेलल इकोनॉमी को फाइनेंशियल टूल्स डेवलप करके मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में साइफन किया जाता है। और ये तमाम हम तो कहते ना जी कि हम जो है ये ग्रे इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, नहीं, वी आर एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी। हम लोग तो सर एमनेस्टी डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद उस एमनेस्टी का फायदा उठाते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा ये बता देते हैं कि ये एसेट्स हमारे पास हैं, लेकिन वो भी इकोनॉमी को ऐसा फायदा वैसे भी, उसके बाद उन लूप होल्स को भी तो प्लग इन कर रहे हैं, जहाँ चोरी हो रही है, रिश्वत ली जा रही है, डिकेती हो रही है, वो तो अब कर नहीं पाते। 10 साल बाद वही क्वांटम 4 गुना ज्यादा हो जाता है इल गॉटन मनी का, और फिर वो लोग उसको बाहर भेज देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, ये इसके साथ जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि अपने इधर अपने ही अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें तो हालात बेहतर होंगे, तो हम देख रहे हैं कि अभी जो जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो अगर हम एयरलाइन की बात करें, इसके अलावा भी बहुत से हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, ये कितना खतरनाक है? मैं तो प्राइवेटाइजेशन के हक में हूँ। अच्छा, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं होता, बिल्कुल सही, उनका काम होता है चीज़ों को मॉनिटर करना, पॉलिसीज बनाना, उसको इम्प्लीकेट करना, जिनसे आम आदमी के फायदे। लेकिन और अगर हुकूमतें इसको ना चला रही होती, आपका घर ना चले तो आप घर के सामान को एक एक करके, ये घर में यू कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स, घर के सामान की और हुकूमत के काम करने के तरीके कार में दो मुख्तलिफ चीजें मिलती,
जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट ओन्ड एंटिटीज का, स्टेट के लोग जो है उनको क्या इंटरेस्ट होगा उसको चला के प्रॉफिटेबल बनाने का, दे वुड नॉट बी गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट इफ एन इन्वेस्टर्स कम इन एंड ही इज रनिंग द शो, वो उसको फिर अपने कारोबारी लिहाज से चलाएगा। आप देखना पीआई है, मैंने उस दिन भी अर्ज की थी कि 900 के करीब जो है वो इम्प्लॉयज है पर एयरक्राफ्ट, वेयर एज दी जो उनकी बैलेंस शीट है और जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो 450 के करीब इम्प्लॉयज में बनती है। सो यू आर हैविंग ऑलमोस्ट डबल व्हाट यू वर सपोज्ड टू हैव। ये तो मसाइल है अपने इंतजामिया के मसाइल है, इनको बेहतर होना चाहिए। तो किसी वो तो करेगा ना जो आएगा, क्योंकि उससे प्रॉफिट कमाना है। प्राइवेट कंपनी वाले लोगों को अपने अजीजों को जरदारी साहब ने एडजस्ट करना होता। जरदारी साहब ने अकेले पीपल्स पार्टी ने उड़ा के रख दिया है पीआईए को। अच्छा, इतनी उन्होंने भर्तियां की हैं पीआईए में, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट भी जब आते हैं वो 2000 बंदा भर्ती कर दिया, 3000 बंदा भर्ती कर दिया, तो उनको निकालेगा कौन? काम कोई नहीं उसका। तो अब वो टॉप हैवी हो गई है ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स नॉट अ वायबल प्रोपोजिशन एनीमोर। जहीम साहब, अब ये जो अहम केसेस अदलिया मुदाखलत केस और फिर जो दूसरा केस है नैब तरमीम, अब नैब तरमीम से मुतल्लिक तो बानी पीटीआई को पेश करने का ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर दिया गया है, उस हवाले से भी तज्जिया लेंगे। लेकिन सर उससे पहले जो अदलिया मुदाखलत केस में एक डेवलपमेंट हुई और वो बाबर सत्तार को कल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये पैगाम दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि वर्बली उन्होंने पैगाम दिया कि जो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, क्योंकि एजेंसियों को भी आपने इन्वॉल्व किया गया, वो खत लिखती हैं मुदाखलत के लिए, तो ये मैटर जो है आप इन कैमरा इसकी ब्रीफिंग कर लें। अब एतराज ये किया जा रहा है कि बाबर सत्तार साहब ने खत लिख दिया फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को कि जो है वो मना किया जा रहा है। बाबर सत्तार साहब जो है ना बड़े काबिल आदमी है, लेकिन यहाँ पे हर शख्स को एक तो लीडरी चढ़ गई है। जजेस डोंट स्पीक लाइक दैट, दे जस्ट स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। वो एक फैसला देते सही, तो अगर वो इन कैमरा भी देते हैं और वो फैसला सही होता और वो उसको लोग पढ़ते हैं और वो सही फैसला होता तो लोग उससे खुश होते हैं ना। उन्होंने अपनी कर दी, प्रमोशन शुरू कर दी, मीडिया हाइप हो गई, गुफ्तगू शुरू हो गई, वो कुछ उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे चल रहा था, उसको उन्होंने कन्फर्म करने की शायद कोशिश की है। हमारे यहाँ हर शख्स तो जो है वो लीडर बनना चाहिए। लेकिन जेम्स साहब प्रेसिडेंट है ना, इससे पहले जो 6 जजेस ने खत लिखा चीफ जस्टिस को उसके बारे में वो कहते ही हैं कि पहले बड़ी दफ़ा ये चीज़ नोटिफाई की गई, उनके लाई गई नोटिस में, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, इसलिए खत लिखा गया। मुझे आप ये बात बताएं ना, मिसिंग पर्सन का मामला हो या दीगर कई मामला, ऑब्वियसली कहीं क्रॉस करता होगा एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी लिमिट्स को, लेकिन अगर आप देखें कि जो इस तरह के मामला हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सही, वो चीज़ें अनर्थ हो जाती हैं और वो कन्वे नहीं की जा सकती इन लेटरन स्पिरिट के, वो कार्रवाई किस तरह की जा रही है। सही, तो स्टेट ओन्ड इदारे हैं ना, एक एक अदलिया एक इदारा है, इस्टेब्लिशमेंट है, मुकन्ना है, इन तीनों को आपस में मिलकर इस तरह तक चलना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल जो केओस है उसे बचाया जा सके और नेशनल सिक्योरिटी को जो कामयाब बनाया जा सके और उसको इम्प्लीकेट किया जा सके। और पूरी दुनिया में ये होता है यार, तो गॉड सेक हमको इस मान से नहीं उतरवे कि हम ही सबसे बड़े जमहूरी, तो ये तो जमहूरियत जो है ना उसके कई रंग निकाल लिए गए हैं और उसको हर चीज में इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जाती है। ये फंडामेंटल राइट, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप रास्ता बंद करके किसी का रास्ता बंद कर दें। लेकिन जेम्स साहब ये भी एक नॉर्म है कि अटॉर्नी जनरल अगर कोई पैगाम देना है, बेशक वो हसास इदारों की जानिब से है, तो वो वर्बली दे सकते हैं, या जब ये हियरिंग हो रही थी तो वो अदालत में मौजूद जज साहब को एड्रेस करते हैं। पैगाम दे ही दिया है तो मौजूद जज साहब कहते ठीक है आपने पैगाम दे दिया, मैं इस पर अपना फैसला दूंगा। सही, आप और लिख देते हैं दूसरे दिन के नोट में, नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो ओपन सुनूंगा इसको, या मैं ठीक है आई नो इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई वुड अब्सटेन फ्रॉम ब्रिंगिंग इन पीपल एंड हेयरिंग आउट द होल प्रोसेस और मैं इन कैमरा करूंगा, दोनों में से कोई एक डिसीजन दे देते। पर इसको खत लिख के उजागर करके आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं यार? आप इलेक्शन लड़ना है आपने कल को, आपको लग रही कोई डिविजन है इस टाइप के? देखिए हम कुछ जजेस अफेंड नजर आ रहे हैं, जजेस अफेंड देखिए मैं कुछ कड़वी बात कर दूं तो फिर नुकसानदेह होगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अर्जी है कि देखिए मीठी बात कर दें आप, आपको आपको अब जब आपके अपने कबर्ड में कफन्स नहीं होंगे ना तो आपके एटीट्यूड मुख्तलिफ होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता, यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू, कि आपके कबर्ड्स में कॉफिन्स भी हों, आपके कबर्ड्स में कॉफिन्स भी हों और आप अपनी मर्जी भी करें, फिर आपको वही करना पड़ेगा कि जिसको पता है कि आपकी कबर्ड्स में कॉफिन्स हैं तो फिर आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा।
तो इसके कोई मुल्की सियासत पर कोई असरात पड़ेंगे? देखिए बीबी, नैब की जो कवानीन है मैं तो उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, और उस नैब के उन कवानीन की वजह से जिस तरह उनको बनाया गया है वो मेरे ख्याल में फंडामेंटल राइट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कन्फ्रंट करते हैं उसको, और उसके साथ सही नहीं चलते। अब देखिए ना, 90 दिन बगैर किसी बेल के, बगैर किसी गुफ्तगू के आप किसी को अंदर कर दें, भैया आप पहले सबूत लाएं, इन्वेस्टिगेट करें, बगैर इन्वेस्टिगेट किए पकड़ के आप किसी को 90 दिन के लिए अंदर कर देते हैं, और यहाँ तक कि रिटेलर्स को जा जाके उन्होंने उठाया। नैब ने जितनी तबाही इस मुल्क की मचाई है ना पिछले 5-7-10 वर्ष में, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं बनाई गई। इसको फिल फॉर बंद कर देना चाहिए, और दीगर वो तमाम महकमे, एंटी करप्शन है, बाकी दीगर महकमे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नैब के दायरे को या तो बदनाम किया गया है, जैसे पॉलिटिशियंस की हुकूमत आती है वो नैब को सराहना शुरू कर देते हैं जो अपोजिशन में, पॉलिटिशियंस का ही कसूर है जी, जब वो आते हैं तो कवानीन खत्म नहीं करते बल्कि उनसे अपने मुखालिफीन को दबाना शुरू कर देते हैं, और जब वो उस कानून से उनका रगड़ा निकल रहा होता है तो वो चीखे मार रहे होते हैं कि ये नैब कवानीन ही गलत है, ये बंद करें। हाँ, ये तो इन्होंने किया ना, ये क्यों नहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने खत्म किया, और लोग इमरान खान साहब को भी कह रहे थे कि मत करें, अब वो भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये एक मेरे ख्याल में आम ट्विस्टिंग टूल है, नथिंग बट ये एक हुकूमत खाने के सिवा कुछ नहीं है पाकिस्तान में। जिम्मेदारी साहब, नैब को इस्तेमाल करने की बातें होती हैं जब भी कोई हुकूमत में आता है अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि रगड़ा दिया जाता है, तो वो कहते हैं ये जो है ना ये अपने मफादात के लिए नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वो गैर जिम्मेदार इदारा नहीं है? इस तरह हो सकता है? किस तरह हो सकता है? कैमिन आपने लगाना है, पैसे आपने देने हैं, निजाम आपने चलाना है, फिर वो इंसाफ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता, इंसाफ है ही नहीं, ये तरीकाकार ही नहीं है। तो अदलिया के बारे में भी यही बातें होती हैं? अभी वो तो इसलिए करते हैं ना कि हमारे मुल्क में फ्रस्ट्रेशन होगी ना बहुत ज्यादा, जिसके खिलाफ फैसला आएगा वो बाहर निकल के कहेगा कि जी फैसला झूठ है, ये फैसला गलत है, तो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों शटर हुआ? कहीं कुछ गलत हुआ ना इस मुल्क में? कहीं 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 पे गलतियां हुई ना, तो वो फिर जब गलतियां हुई और प्रूव हो गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई जी, वो नसीब हसन शाह से कह रहे मैंने गलत दी, जुल्फिकार अली भुट्टो से मुझे याद आया कि पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया, लोग जिसको भी फांसी होगी वो कहेगा जी गलती थी, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दिया जाए, उनकी तस्वीर वाले करेंसी नोट जारी किए जाए, ये भी अब टू मच है, वहाँ इधर हम उधर तुम के नारे लगाने वाले, और मैं तो वाज़े तौर पे कहता हूँ ठीक है उनका जाना गलत था, तरीकाकार गलत था, जो कुछ हुआ वो जुल्म था, और ऑब्वियसली बड़ा कुछ गलत हुआ उस केस में, सारी दुनिया को पता है कोई तरीकाकार नहीं है, लेकिन जो सानिया मशरकी पाकिस्तान था और उसके बाद जो एटीट्यूड था, आप याद करें ना यही गाली गलोच जी, पकड़ के किलों में बंद कर दिया कौमी इत्तेहाद की क़यादत को, उसके बाद जो कुछ जितना जुल्म और बर्बरियत की गई वो तारीख में नहीं मिलती, वो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर तो नहीं कह सकते ना, जिस तरह कत्लो गारत हुई लाहौर की सड़कों पे उस तहरीक में कौमी इत्तेहाद की मूवमेंट में हजारों लोग मरे, जिनका आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, दूसरे दिन खबर आती थी नहीं आती थी, अगर किसी ने दो जुमले नहीं लिखे तो वो डाइल्यूट हो जाती थी, तीन अखबार थे पाकिस्तान में जी। तो मतलब मुत्तफिका आइन तो दे गए ना वो मुल्क और कौम को, जिसके तहत जैसी भी है जमहूरियत चल तो रही है, नहीं मुत्तफिका आइन सिर्फ उन्होंने दिया, उसमें कौमी इत्तेहाद के सर उससे पहले वाले वो एब्रोगेट भी तो हो जाते रहे ना, वो जो 1973 का आइन था वो सिर्फ उनकी अकेले की काविश नहीं थी, उसमें 60% काविश जो थी वो उस वक्त के सियासी ज़ोमा की थी, जिसमें मौलाना मुफ्ती महमूद के वालिद मौदूदी साहब, वली खान साहब, सरदार शौकत हयात साहब मुस्लिम लीग से, अपना अचकजई साहब के वालिद, ये तमाम लोग थे जिन्होंने मिलकर वो आइन बनाया था बड़ी अर्टरेजी के साथ, और देखे हो ही नहीं सकता कि कोई कानून बने और वक्त के साथ उसमें बेहतरी की कोशिश ना की जाए और गुंजाइश ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आपने उसको करने के लिए अभी तक 22-23 अमेंडमेंट्स किए, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा की जरूरत है, क्यों ना की जाए? अब देखे ना उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था कि इस मुल्क में सोलर सिस्टम आएगा, इधर बिजली की गाड़ियां चलेंगी, बिजली की मोटरसाइकिलें चलेंगी, इधर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, लाइव कवरेज होगी, हर चीज एक सेकंड में लोगों के सामने। सर मेरे ख्याल से अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और अमेंडमेंट जरूरत है वक्त की, ये सभी को पता होता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ कोई एक सियासी जमात नहीं आ पाती जिसकी वजह से वो कानून साजी नहीं कर पाती। बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी से आती क्योंकि आपने पोलराइजेशन बहुत कर दी ना,
सियासत हो रही है इस मुल्क में, सियासत सिर्फ हो रही है कि वो आपके आपको गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, उनके बच्चों बीवियों पर इल्जाम लग रहे हैं, गंदी गुफ्तगु उनके बारे में उनके बेडरूम्स की हो रही है। तो ये सियासत तो नहीं है, ये सियासत है। वो एक सिंपल फिनोमेना होना चाहिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ तनकीद नहीं तजवीज। बिल्कुल ऐसे ही है, तनकीद नहीं तजवीज। बहुत खूबसूरत बात है। इस बात पे कन्विंस हो जाएंगी ये मुल्क 10 दिन में पॉलिटिकली बेसिक पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन के साथ पटरी पे चलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैम क़ादरी साहब, वक्त जो है वो खत्म हो गया।